हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। तो आज का मैं ब्लॉग कर रही हूँ, सुबह सुबह से शुरू, अभी मैं उठी हूँ। तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज है स्पेशल डे। आज है स्पेशल डे, आज है माइक का बर्थडे। तो अभी माइक सोया हुआ, अभी करेंगे उसको बर्थडे विश। और उसके लिए मैंने गिफ्ट मंगवाया था ऑनलाइन, तो वो वैसे कि वैसा मैंने उसकी पैकिंग भी नहीं की है, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अभी उसको हम देंगे गिफ्ट, मैं उसके पापा, और उसको विश भी करेंगे। तो आज का दिन मेरा कैसा रहेगा, हम कहाँ जाएंगे, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। मयंक का गिफ्ट उसके बर्थडे के 2 दिन पहले आ गया था, तो मैंने छुपा के यहाँ रख दिया था ताकि वो अपने बर्थडे से पहले इसे देख ना ले। बहुत ज्यादा भारी है ये। हेलो मयंक, राधे राधे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कैसा है? भारी गिफ्ट है, बाद में दिखाइए अगर दिखाना का मन होगा तो। अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक हो जाते हैं हम फ्रेश तैयार। यहाँ पे मयंक के पापा ने देखा कि मयंक उठ के आए, तो वो भी उसे बर्थडे विश कर रहे हैं। मयंक का ध्यान ना पापा से ज्यादा मुझ पे, कि मम्मा वीडियो बना रहे हैं और वो कैमरे के सामने बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता है। तो यहाँ हम निकल गए घर से, और अभी हुए 6:30 और आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़। हमारे साथ जा रहे हैं पापा जी, यानी कि मयंक के दादाजी। तो हम अभी स्पाटू वाले रोड से जा रहे हैं, क्योंकि वाला रोड काफ़ी ख़राब है, तो हम जा रहे हैं वाया शिमला होके। अभी थोड़ी देर बाद ही हमारे को आगे रास्ते मिल जाएंगे इसके दादाजी, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो फिर मिलाते हैं अभी थोड़ी देर में आपको उनको उनसे। यहाँ हम पहुँचने वाले उस जगह पे जहाँ पे हम पापा जी का वेट करेंगे। यहाँ से हमारे गाँव के लिए रास्ता गया, तो वो घर से किसी और गाड़ी में आ रहे, और हमने 5 मिनट वेट किया, वैसे ही उनकी भी गाड़ी आ गई। यहाँ पे मयंक ने ले लिया अपने दादाजी का आशीर्वाद और बताया कि आज मेरा बर्थडे, तो आज की जो पार्टी है, जो भी हमारा खाना पीना बाहर होगा, वो होगा मयंक के दादाजी की तरफ से। यहाँ से हम निकल गए फिर अपने आगे के सफर पे, और शिमला पहुँचते पहुँचते आप देखोगे कि मौसम इतना ज्यादा बदल गया, पूरे रास्ते में धुंध छाई थी, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यानी लोगों को अपनी गाड़ी की लाइटें ऑन करनी पड़ी, और हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे, अभी शायद 8 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे हम एक जगह रुके, मगर यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम पहले भी एक बार क्रॉस हुए थे, तो हमने यहीं पर खाना खाया था, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना बनाया था इन्होंने, उस टाइम भी हमने शायद ब्रेकफास्ट किया था। तो इस बार देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। वैसे तो गर्मी का मौसम है, बट बारिश और धुंध की वजह से थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया था, तो हमने चाय और पनीर के परांठे लिए। बट इस बार इन्होंने जो यहाँ पे पनीर के परांठे वो कुछ अच्छे नहीं बनाए, वो थे नमक बहुत ज़्यादा था और हमें बिल्कुल भी अच्छे लगे, पर हमने फिर भी खा लिया क्योंकि हम घर से कुछ भी खा के नहीं आए थे, सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे। तो यहाँ हम पहुँच गए अपने मंजिल के पास, गरेवाल आईज इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे मयंक और मयंक के दादाजी दोनों की आईज चेक करवानी है। जो कंटिन्यू मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो उनको पता है कि मयंक को हमने कुछ टाइम पहले MH आर्मी हॉस्पिटल शिमला में दिखाया था, तो उसके बाद एक टेस्ट उन्होंने चंडीगढ़ के लिए लिखा था, वही हम आज करवाने आए। साथ में पापा जी का भी 6 महीने के बाद आईज चेकअप होता है, तो वो भी करवाने आए, इसीलिए हम यहाँ पहुँचे आज। यहाँ एंट्री करवाने के बाद मैं पापा जी के साथ आ गई 3rd फ्लोर में, और मयंक का जो टेस्ट है वो किसी और फ्लोर में होगा, तो वो अपने पापा के साथ वहाँ चला गया। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने पापा जी की आईज चेक की बाहर, उसके बाद इन्होंने हमें स्पेशली डॉक्टर के पास भेजा, तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो चला हुआ है। comprehended the fairest part of the earth and the most civilized portion of mankind, the इसके बाद कुछ टेस्ट पापा जी के यहाँ अंदर हो रहे हैं और मैं बाहर ही उनका वेट कर रही हूँ।
और यहाँ धीरे धीरे रश बढ़ता ही जा रहा है। सारी रिपोर्ट्स आने के बाद लास्ट में हम मिले सीनियर डॉक्टर से। लास्ट ईयर पापा जी बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और इनको बहुत ज्यादा फीवर हो गया था। ये 10 दिन तक IGMC में एडमिट भी रहे, तो उस दौरान जो है वो जो भी इनको बुखार वगैरह उस टाइम आए उसका जो है इफेक्ट ना वो पड़ा इनकी आईज पे। जब ये कुछ दिन बाद घर में ठीक हो गए तो इनको लगा कि मेरी एक आंख से दिखाई दे रहा है, और उसके बाद हमने बहुत जगह दिखाया डॉक्टर के पास, बट सबने मना कर दी कि आपका जो आंख का पर्दा है वो बिल्कुल सिकुड़ गया है, अब आप उससे देख नहीं सकते दोबारा। तो अब सिर्फ ये एक ही आंख से देख पा रहे हैं, तो इसके लिए इनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी आंख का, और हर 6 महीने बाद इनकी आंखें चेक कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इनकी दूसरी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पे वेटिंग एरिया है जो कुछ इस तरह से है। तो अभी दिन के 2-2.5 बजे का टाइम हो गया, हमें काफ़ी टाइम लगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए इन्होंने, बट ये कि सब सही है, सब ठीक है। मयंक की भी रिपोर्ट्स ठीक ही है। मयंक की जो रिपोर्ट है वो हमें एक बार फिर से आर्मी हॉस्पिटल जो वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं उनके पास दिखानी पड़ेगी, तो वही बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, और इसका नंबर चेंज होगा या कुछ भी। इसके बाद हम निकल गए चंडीगढ़ से शिमला की तरफ, और रास्ते में हमने पी लिया गन्ने का जूस। अब भूख भी लग गई थी, तो देखते हैं थोड़ी आगे जाके कि कहाँ कुछ क्या खाएंगे। पिता जी आपकी पसंद के गाने लगे हुए? हाँ, अच्छे अच्छे। कौन है हीरो हीरोइन? मनोज कुमार, मनोज नहीं वो दिलीप, क्या सर ये बताऊंगी? नहीं नहीं यार, आशा पारेकर नूतन, नूतन के टाइम का, और एक वो दूसरा दिलीप कुमार गाने इसकी क्यों रहा? दादाजी के टाइम के मैं तो रैप वाला सुनता है। काफ़ी टाइम हो गया तो हमने खाना नहीं खाया था, और फिर मयंक के दादाजी ने बोला कि मुझे तो भूख लगी, मुझे खाना खाना है। तो अभी टाइम हुआ 4 बजे के आसपास का, तो यहाँ हमने खा लिया खाना। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी जिस वजह से मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, और मैं चार्जर लाना भी भूल गई थी, वैसे गाड़ी में चार्ज हो जाता फ़ोन। तो इसके बाद हम चले गए थे गाँव, और रात का खाना हमने गाँव में खाया, वहाँ से हम काफ़ी लेट हो गए थे घर आने में। तो इस व्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे, अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।